Okay, hello everyone. How you all? Hope you can see the screen and can hear me as well, right? Okay, fine. So, देखो, last class में it was long ago. When was our last class? I think probably it was on Saturday, right? Okay, 14th of August. Good afternoon, everyone. So, देखो एवरीबडी, हाँ इट वॉज ऑन फ्राइडे. सो आई होप आपको थोड़ी चीजें जो है वो याद नहीं होगी. सो आई गिव यू अ ब्रीफ रिविजन एंड देन विल गो अहेड विद द टॉपिक, राइट? हम लोग एक ब्रीफ रिविजन लेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. आई होप इट विल बी फाइन. चलेगा ऐसा? कुछ तो बोलो हाँ या ना. ओके okay. हाँ, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी. सो देखो, वट वी वेर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस. और इलेक्ट्रोलिसिस में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, इट वाज, हाँ मैं अथर्व, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है वो बात. तो देखो एवरीबॉडी, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है. कटायन और अनायन, दो तरह के आयंस अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं. कटायन कैथोड पे चला जाता है और अनायन एनोड पे चला जाता है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? कटायन कैथोड पे जाता है और अनायन जो है इट मूव्स टू द एनोड, राइट? तो लाइकवाइज कैथोड प्रोडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ये तो बहुत बेसिक चीज थे, आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा. फिर हमने एक एनोड के लिए ऑर्डर याद किया था, SOCBI, ठीक है, सल्फ SO42- OH-Cl-Br-I-. वो इक्विमोलर सॉल्यूशंस के लिए ऑर्डर वैलिड होता है. अब बात करते हैं, देखो हमने पढ़ा था कि वाटर का SRP अराउंड 0.83 वोल्ट होता है, -0.83 वोल्ट, और SOP -1.23 वोल्ट होता है, याद है एवरीबॉडी? बट द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस केस, इस केस में जो रेट होती है रिएक्शन की, वो बड़ी स्लो होती है, बड़ी धीमी होती है. और वाटर एवरीबॉडी एक्टिव भी नहीं होता है. एवरीबॉडी आई होप यू नो, वाटर इज नॉट इवन एक्टिव, वाटर इनएक्टिव होता है. तो रेट बढ़ाने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज वाटर एक्टिव नहीं होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, इट इज 55.5 ओनली. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वाटर एवोपरेट हो जाएगा. तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि एडिशनल पोटेंशियल अप्लाई करें, एंड दैट इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल, जो कि नॉर्मली सरफेस पे भी डिपेंड करता है. रफ सरफेस पे कम लगता है और स्मूथ सर्फेस पे ज्यादा लगता है. वो आपको याद नहीं करना है, जैसे पिछले केस में हमने लिखवाया था कि प्लैटिनम पे कार्बन बैक लगा दो तो अराउंड 0.25 वोल्ट लगता है, और प्लैटिनम स्मूथ रहेगा तो इट विल बी 0.45 वोल्ट, ठीक है. नाउ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. उसमें कुछ लोगों को डाउट है, उसको हम एक बार फिर से कर लेते हैं. देखो यदि हम बात करें, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, लेट से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl. एवरीबडी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl. इज दैट क्लियर? तो देखो डाइल्यूट HCl में आपको ये बात तो पता है कि पानी तो होगा ही, राइट? डाइल्यूट HCl मान लो बहुत डाइल्यूट है, 10^-5 मोलर है, इतना डाइल्यूट है, या फिर 10^-3 मोलर, 10^-4 मोलर टाइप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो एवरीबडी कैथोड और एनोड की रिएक्शन हमें लिखनी है, ठीक है ना, कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा. तो कैथोड इज कटायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड, यहाँ पे H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाएगा, ठीक है, और वाटर भी साथ में रिडक्शन के लिए कम्पीट करेगा. It will give you H2+2OH-, ठीक है ना? यहाँ पे it is 0.0 volt, it is -0.83 volt. और anode anion attracting electrode है, तो ये होता है -1.23 volt, sorry 36 volt. और everybody H2O जो है, ये इस तरह से convert हो जाएगा और इसको मिलेगा -1.23 volt, है ना everybody? प्लस ओवर पोटेंशियल भी रहेगा यहाँ पे. आई होप एवरीबॉडी यू आर क्लियर विद दिस. यहाँ पर तो प्लस ओवर पोटेंशियल भी रहता ही है ना? तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई ऐसे में नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोडक्ट होगा. तो मैंने तुम्हें एक बताई थी बात कि तुम्हें ये याद करना पड़ जाएगा कि SOCBI ऑर्डर होता है इक्विमोलर में. समझ में आ रहा है ना? कि जैसे नॉर्मली -2+2.25 भी लोगे तो ये तो -1.4547 ऐसे हो जा रहा है. तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा होगा कि डाइल्यूट सोल्यूशन में और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अंतर तो आना चाहिए. अब देखो एवरीबॉडी, यहाँ समझने की कोशिश करो, बट एक्चुअली में क्या है जो Cl- का है. एवरीबॉडी H2 वाली पार्ट सबको क्लियर है नहीं है? सब समझ पा रहे हैं? ये तो पिछले बार तुमने लिखा ही होगा. कैथोड पे तो H2 बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा,
प्लस से, एसिड से, ये इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अथर्व तुमने पूछा था, तुम्हें ये बात समझ में आ रही? अथर्व ये बात तुम्हें समझ में आ रही है ना, कि कैथोड वाला पार्ट तो क्लियर है, ठीक है, कैथोड वाली बात सबको क्लियर है। अब बात करते हैं एनोड की। देखो एनोड पे क्या है ना, तुम यदि इसका लिखोगे रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ई क्या आएगा, ई नॉट माइनस 0.059 बाई 1 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल टू की पावर 1/2 अपॉन सी एल माइनस। When PCl2 is 1 atm, तो हमें क्या मिलता है, E cell is E not cell plus 0.0591 log Cl minus। तो I hope you can see कि जैसे जैसे इसका concentration Cl minus का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही इसका spontaneous हो जाएगा oxidation। ये सबको समझ में आ रही है बात? Everybody, जैसे जैसे concentration Cl minus का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और ये ज्यादा, तो ये बात समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। सो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन सीएल माइनस का बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन सीएल माइनस का स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सबको? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन सीएल माइनस का बढ़ेगा, as the concentration of Cl minus will increase, the oxidation of Cl2 at anode, sorry, the oxidation of Cl minus at anode will become spontaneous, right? I hope it makes sense and it is clear to everyone. Atharva, Daga, tumhe ye baat samajh mein aa rahi hai? Please reply in the chat box. I hope you are there. Theek hai. तो अब जरा समझने की कोशिश करो, dilute solution में Ca हमने लिखा है 10 की पावर minus 4 molar। जरा समझने की कोशिश करो, 10 की पावर माइनस 4 मोलर लिख दिया हमने, तो ये देखो वैल्यू कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 4 पुट करो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी यहाँ पे सीएल माइनस की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 पुट करो और देखो ईसीएल कितना आता है। एवरीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा एवरीबॉडी, क्या आएगा बताओ? कोई कुछ नहीं बोलता, इसको 0.06 पकड़ने चलेगा क्या एवरीबॉडी? 0.06 पकड़ लेता हूं और ये आ जाएगा कितना एवरीबॉडी, माइनस 4। तो ये देखो कितना है, माइनस 1.36 माइनस 0.24, तो अब ये माइनस 1.6 है। अब वाटर का तुम ओवर पोटेंशियल कंसिडर करोगे, वाटर का तुम ओवर पोटेंशियल कंसिडर करोगे जो कि नॉर्मली 0.25 होता है, तो ये तो माइनस, तो ये तो माइनस 1.47 होगा ना एवरीबॉडी। नॉर्मली कार्बन ब्लैक ही लेते हैं, प्लैटिनम वैसे भी महंगा होता है, कार्बन ब्लैक लगा ही देते हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या लग रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन रहा एवरीबॉडी? डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन रहा? H2O ही रहा ना, इज दैट क्लियर? तो इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में तुम्हें मिल जाएगा H2O, मतलब H2O से O2 मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे अब तो बताओ, अब समझ में आया मैं कैसे H2O में से O2 बोल रहा हूं? इसमें किसी को डाउट है, किसी को समझने में तकलीफ है, कोई समस्या है तो पूछ सकते हो अभी के अभी, बाद में मत पूछना। अभी डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये समझ में आया O2 क्यों बोल रहा हूं मैं? हाउ फोर, कथन इज आस्किंग फोर। अरे बालक देखो, हमने यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5 लिया है क्या? ओके ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 ले लो फिर, ठीक है, 10 की पावर माइनस 5 लिया है, ठीक है, मेक इट 4। मुझे लगा मैंने 4 लिया, ठीक है कथन, फाइन, मेड द चेंजेस। आई होप इट इज नाउ क्लियर। इनिशियली डाइल्यूट सॉल्यूशन में तुम्हें O2 मिलेगा। अब एक सवाल है, मान लो तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते रहोगे, तो पानी कम होता जाएगा और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस इज कंटिन्यूड, तो पानी कम होता जाएगा और Cl- क्या होगा, मोलैरिटी जो Cl- की है वो क्या आएगा, NCl- अपॉन V। यस सर, मैं अभी एक लेक्चर में आपको 2:30 पे कॉल करूंगा, है ना? मैं अभी एक लेक्चर में आपको 2:30 पे कॉल करूंगा। फाइन एवरीबॉडी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो देखो NCl- जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, NCl- कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है H2O का वो कम होता जा रहा है, राइट? तो ये N/V तो बढ़ता जाएगा ना, N/V बढ़ता जाएगा विथ प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इज दैट क्लियर? Everybody say yes or no?
भी बढ़ता जाएगा अपॉन प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब एक बात बताओ, एन वाई भी बढ़ता जाएगा प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस, तो तुम्हें नहीं लगता है कि उस केस में, सी जरा समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे एन वाई भी बढ़ता जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता है सीएल माइनस का ऑक्सीडेशन अब फेवर होने लगेगा, वो ज्यादा हो जाएगा वाटर के ऑक्सीडेशन के हिसाब से। एवरीबडी इज दैट क्लियर? सीएल माइनस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 1-1.36 से बढ़ने लगेगा और वो ज्यादा फेवर होगा। इज दैट क्लियर? तो अपॉन प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस पे कैथोड पे H2 मिलेगा और एनोड पे Cl2 मिलेगा। ये सबको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? Everybody is that clear? तो अब तुम डाइल्यूट से जगह डायरेक्टली लिखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर तुम लिखो डायरेक्टली प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस, बात एक ही है। तो इस दोनों केसेस में तुम्हें पहले Cl2 और सॉरी O2 और H2 मिलेगा और बाद में Cl2 मिलने लगेगा। इसमें किसी को दिक्कत है? ओके देखो अब प्रोलॉन्ग वाला पार्ट वापस बताओ। सी अथर्व, यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस मतलब लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस हम करते रहेंगे, ठीक है एवरीबॉडी? प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है हम लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस करते रहेंगे। तो जब हम लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस करते रहेंगे अथर्व जरा समझो, तो पानी निकलते जा रहा है तो पानी का वॉल्यूम कम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मैंने वही लिखा है कि जब तुम प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो NCl- नहीं निकल रहा है तो Cl- सॉल्यूशन में रहेगा और पानी कम होता जा रहा है। तो N कांस्टेंट है और V कांस्टेंट है, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता जाएगा? पानी एवापोरेट नहीं हो रहा है आदित्य, एवरीबॉडी पानी एवापोरेट हो रहा है क्या, ये बताओ पानी का क्या हो रहा है? एवरीबडी पानी एवोपरेट हो रहा है, आदित्य इज आस्किंग पानी एवोपरेट हो रहा है क्या? बताओ चैट बॉक्स में लिखो क्या हो रहा है पानी के साथ, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी कम नहीं हो रहा है एवरीबडी, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रहा है, पानी का वॉल्यूम और मास कम हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? पानी का कॉन्सेंट्रेशन 55.5 ही रहेगा, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है। I hope it is clear to everyone. Water is not getting evaporated. हमने तो temperature पढ़ाया ही नहीं था, हमने ये बताया ही था तुम लोगों को। Okay, I hope it makes sense and everybody is clear now. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जरा समझो, एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O oxidize हो रहा है, that is why its mass is getting reduced, its volume is getting reduced, and that's why Cl minus concentrated होता जा रहा है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। नमक में तुम पानी डाल दो, ठीक है, या पानी में हल्का नमक डालो, पानी को एवोपरेट करते जाओ, पानी कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा क्योंकि नमक एवोपरेट नहीं होता है, यही हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे एवोपरेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे पानी डिसोसिएट होके निकल रहा है। दैट इज द कंसेप्ट, यहाँ पे पानी डिसोसिएट होकर के निकल रहा है, O2 बन रहा है। अरे यार एक सवाल पूछ रहे हो तुम, प्रोलॉन्ग टर्म यदि नहीं मेंशन है। ओके अथर्व, वेदांत का एक क्वेश्चन है, आई थिंक चैट पब्लिक है, तुम इसका आंसर दे सकते हो? वेदांत इज आस्किंग अ क्वेश्चन, सो सिंस इट इज पब्लिक यू मस्ट बी एबल टू सी इट। कैन यू आंसर क्या होगा इसका आंसर, यदि प्रोलॉन्ग टर्म यूज नहीं किया है तो क्या आंसर देना चाहिए? O2 ही बोलेंगे, यदि डायल्यूट सोल्यूशन का प्रोलॉन्ग वर्ड नहीं दिया है तो O2 ही बोलोगे ना। So I hope it makes sense and everybody is clear with it. अच्छा एक सवाल पूछो, एक सवाल पूछ रहा हूं, सॉरी मैं, तुम्हें लगता है कि एनोड पे भी क्या चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कैथोड पे भी चेंजेस हो सकते हैं? देखो तो ये यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं क्या, ऐसा होगा क्या कि इससे निकलने लगेगा? एवरीबडी कैथोड पे चेंजेस हो सकते हैं क्या कुछ? देखो कैथोड पे चेंजेस नहीं होते क्योंकि जब तुम पानी सुखाओगे ना, कॉन्सेंट्रेशन 10,000 गुना से ज्यादा तो चेंज नहीं होता ना एवरीबडी, बात समझ में आ रही है एवरीबडी? ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? वाटर के केस में हमने क्या लिखा, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये होता है -1.23 प्लस ओवर पोटेंशियल जो भी है,
और Cl माइनस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो -1.36 है प्लस हम ओवर पोटेंशियल ये, ठीक है। अब जरा देखो ये कंपीट कर सकते हैं क्या, तुम्हें तो पता है नर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल -0.06 बाई एन लॉग जो भी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन। तो तुम्हें लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन यदि मान लो यदि एन फैक्टर वन है, तो यदि एन फैक्टर वन है तो ये कितना फैक्टर से चेंज हो सकता है एवरीबडी जरा सोचो। यदि एन फैक्टर अज्यूमिंग हमने वन किया तो यदि 10 गुना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये 0.6 चेंज होगा, 0.06 चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबडी, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ये लिखो पहले, तो ये मत भी लिखो तो भी चलेगा तुमको। जैसे मैं इससे समझा देता हूं तुम्हें, Cl माइनस जो है Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका E लिखता हूं मैं -1.36। I'll tell you, ये एनोड की क्या है, ये तो चेंज होगा, हाँ ये हो चेंज हो सकता है, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ थोड़ा। अब ये जरा देखो, यहां हम लिखते हैं, मान लो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तुमने 10 गुना कर दिया, Cl माइनस न्यू इज 10 टाइम Cl माइनस ओल्ड। ये जरा समझने की कोशिश करना, यदि 10 गुना कम बढ़ाया, जैसे इनिशियली मान लो Cl माइनस तुम्हारा 1 था, ठीक है, अब तुमने 10 कर दिया तो ये क्या आएगा एवरीबडी, -1.3 आएगा ना। अब यानी तुमने Cl माइनस कर दिया, यहाँ पे 10 टाइम्स था, पहले 1 था तो 100 कर दिया, 1000 कर दिया, 100 कर दिया, तो अब नया सेल क्या आएगा एवरीबडी बताओ, अब क्या आएगा -1.24। अब मान लो 1000 टाइम्स कर दिया तो क्या आएगा, ठीक है 10,000 कर दिया, 10,000 कर दिया तो क्या होगा, ये समझ में आ रहा है सबको एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रहा है। यदि हमने 10,000 गुना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, तो भी 0.3 तक का ही चेंज आ रहा है। तो एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोसेस में 10,000 गुना से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है क्या? थ्योरेटिकली इससे ज्यादा चेंज नहीं होता है। इनिशियली मैंने CN1 लिया है, तो अब जरा सोचो, कॉन्सेंट्रेशन मैंने 10,000 गुना भी बढ़ाया तो भी 0.3 में चेंज आ रहा है। तो अब पहले वाले केस में कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो 0 वोल्ट है और ये -0.83 है। तो इनफैक्ट यदि 0.2 का अंतर होता है तभी हम कंसिडर करते हैं, नहीं तो हम ऑलवेज इग्नोर कर देते हैं। एवरीबॉडी ये समझ में आया, C1 मैंने 1 लिया था, इनिशियली मैंने C1 1 लिया था, ये बात सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना कुछ बोलो, मैंने क्या बोला समझ में आया? जैसे हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का अंतर कब दिखेगा, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का अंतर तब देखते हैं जब SRP में जो डिफरेंस है वो 0.2-0.3 हो, इससे ज्यादा का डिफरेंस हो तो हम नहीं देखते। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे तुम S ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे पानी में ना, तो हमेशा हाइड्रोजन ही मिलता है। रीजन क्या है, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, वहां 0.2-0.3 से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है SRP में। इज दैट क्लियर एवरीबडी, वाली बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पिछले क्लास में ही कुछ लोगों ने पूछा था कि हम कब देखेंगे कि चेंज हो रहा है या नहीं, कंसिडर करना है कॉन्सेंट्रेशन या कंसिडर नहीं करना है, तो मैंने बोला था कि सही वक्त में पे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी सही वक्त यही है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि मान लो जैसे कॉन्सेंट्रेशन 10,000 गुना से ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है एवरीबडी, तो SRP में 0.3-0.4 से ज्यादा चेंज हो तो हम नहीं देखते कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। 0.2 भी चलेगा, 0.2 तक भी चलेगा सूजल। आई होप इट इज क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, पहले ये लिख लो, पहले राइट इट डाउन व्हाट आई हैव गिवन, जस्ट राइट अप। Written everyone? Last point, point two का। अच्छा देखो, नॉर्मली मैंने सूजल क्या बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन जो है,
कॉन्सेंट्रेशन जो है एवरीबडी, कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट 10,000 गुना भी बढ़ गया तो 0.3 का चेंज आ रहा है, बट हर बार एन फैक्टर 1 तो नहीं होता ना, एन फैक्टर 2 हो जाएगा तो 0.03 का फैक्टर आएगा. एवरीबडी इज दैट क्लियर? यहां तो मैंने एन फैक्टर 1 लिया है तो और ज्यादा चेंज आएगा. इज दैट क्लियर और नॉट? अरे कुछ तो बोलो. सो नॉर्मली लिख लो, इफ द एसआरपी वैल्यूज, राइट ऑन इफ द वैल्यू ऑफ एसआरपी, ये लिख लिया सबने? अरे कुछ बोलो यार, कोई कुछ बोलता ही नहीं. ओके, तो लेट अस राइट इट डाउन. इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ एसआरपी डिफर्स बाय, ऐसा लिखते हैं एक जनरल कंसेप्ट कि हमको कब कंसिडर करना है और कब कंसिडर नहीं करना. इफ द वैल्यू ऑफ एसआरपी डिफर्स बाय मोर देन 0.3 वोल्ट, देन वी यूजुअली इग्नोर the changes in concentration, changes in EMF through concentration, हम उस केस में इग्नोर कर देते हैं जनरली, है ना. बट एग्जैक्टली यदि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें तो फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ना. यदि एग्जैक्ट तुम्हें चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो तुम्हें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट जब हम जनरली प्रोडक्ट बताते हैं, जब हम जनरली प्रोडक्ट बताते हैं कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, तो उस केस में हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से बहुत ज्यादा एसआरपी में फर्क नहीं पड़ता है. और ये मैंने तुम्हें करके दिखाया अभी. एवरीबडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ बोलो. तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ लेट अस सी. तो उसी तरह से बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस मैंने किया है डाइल्यूट HCl का, सॉरी डाइल्यूट NaCl का. डाइल्यूट NaCl यानी काफी डाइल्यूट, 10^-4 मोलर टाइप. बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा एनोड और कैथोड पे. एवरीबॉडी टेल मी द प्रोडक्ट्स एट द एनोड एंड द कैथोड. एनोड पे O2 और कैथोड पे H2. हाँ सही है कथन, गुड. देखो यहां पे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na बनाएगा, तो इसका कोई कंपटीशन तो है ही नहीं पानी से, हमने ये सीख ही लिया है. H2 बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है एवरीबॉडी, कैथोड पे तो H2 बनेगा. आई होप इट इज क्लियर. एवरीबॉडी से यस और नो? ठीक है ना. एनोड पे क्या बनेगा बताओ, एनोड पे भी वही हो जाएगा, एनोड पे भी वही होगा. प्लस सम ओवर पोटेंशियल भी रहता है इसका, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन में O2 ही मिलेगा, राइट? डाइल्यूट में तो O2 ही मिलेगा ना. उसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, उसी तरह यहां भी वही है, अपॉन प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस Na का रिएक्शन का SRP क्या है? इट इज -2.71, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है. अपॉन प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे मिल जाएगा तुम्हें H2 और एनोड पे मिलेगा तुम्हें Cl2, और यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में भी. वन मोलर NaCl में कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हो, इससे ज्यादा, जैसे तुम्हारा जनरल ऑर्डर तो पता ही है SOCPI. So I hope it is clear everybody.
इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके रिटर्न एवरीवन, रिटर्न और नॉट? ओके O2 कैसे एनोड पे वापस बताओ। आदित्य इज आस्किंग कि O2 एनोड पे कैसे आएगा ये वापस बताओ। एवरीबॉडी O2 क्यों आया है डाइल्यूट NaCl में? ये पिछला केस जैसा था वैसा ही है या कुछ अलग है? एवरीबॉडी हमने क्या सीखा था O2 क्यों आ रहा है एनोड पे? अरे देखो एनोड वाली रिएक्शन तो सेम ही है ना, एनोड वाली रिएक्शन कुछ अलग थोड़ी हो रही है। एनोड पे तो वही रिएक्शन है जो पहले था, Cl-Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और H2O2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो अभी यहां क्यों नया कुछ होगा? इज दैट क्लियर आदित्य? वही चीज है जो पहले हो रहा था, एनोड पे कोई नया रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। अच्छा कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूं अब, कि जो हमने पढ़ा उसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो आंसर बताना थोड़ा सोच करके। ठीक है, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलिसिस या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन देखो आदित्य, स्क्रॉल कर दिया आप। रिटर्न आदित्य लिख लिया या नहीं लिखा? फाइन, तो अब देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, अब इलेक्ट्रोलिसिस हमने एक्वस सॉल्यूशन का किया है, देन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज रिमूव्ड सडनली, कोई एक इलेक्ट्रोड को निकाल दिया गया सडनली, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रोड को निकाल लिया गया, देन व्हाट विल हैपन इन द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में क्या होगा? पहला ऑप्शन है आयंस विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन बी मूवमेंट ऑफ आयंस विल कंप्लीटली स्टॉप ठीक है, ऑप्शन सी आयंस मूव एट रैंडम, ऑप्शन डी कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। Everybody, what is the answer? Sujal is saying C. Okay, there are A for a very short time. C. Okay, A. C. Okay, the answer is C. Those who have answered C are correct. देखो आंसर तो सी होगा, आई विल टेल यू व्हाई। देखो क्योंकि पोलैरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, तुम एक इलेक्ट्रोड निकालोगे तो ऐसा थोड़ी है कि ईएमएफ रहा, तुमने एक इलेक्ट्रोड हटा दिया तो खत्म हो गया, सर्किट है ही नहीं, ठीक है, सर्किट मतलब करंट सप्लाई बंद हो गया। जैसे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव था, यहाँ एक नेगेटिव था, बीच में आयंस थे, सर्किट वो कंप्लीट कर देते थे। तो अब तुमने एक इलेक्ट्रोड ही उखाड़ लिया यहां से, ठीक है, तुमने एक इलेक्ट्रोड ही उखाड़ लिया बीच से, तो अब तो कोई सर्किट है ही नहीं। इज दैट क्लियर? सर्किट है ही नहीं। तो अब पानी में NaCl डालोगे तो आयंस का कोई मूवमेंट होता है क्या? फिक्स रैंडमली वो जैसे तैसे घूमते हैं,
तो अब वैसा ही सीन हो गया ना, तो आयंस अब रैंडमली मूव करेंगे, ब्राउनियन मोशन होगा उनका बस. एवरीबडी इज दैट क्लियर? जैसे पानी में तुमने नमक डाल दिया तो क्या होता है, आयंस रैंडमली मूव करते हैं ब्राउनियन मोशन में. तुमने एक इलेक्ट्रोड उखाड़ फेंका तो क्या होगा, कुछ नया थोड़ी होगा, आयंस वैसे ही रैंडमली मूव करेंगे. अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं. ओके एवरीबडी, इसमें किसी को डाउट है क्या, समझ में आया नहीं आया? इनर्शिया के वजह से थोड़े टाइम तो मूव करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं थोड़े टाइम के लिए लिखा नहीं ना सौरभ, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं ना. तुम्हें तो इनमें से चार ऑप्शन चूज करना है. और तुम टाइम इंटरवल कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कितने टाइम इंटरवल के लिए वो ऐसा मोशन शो करेंगे? यू कैन नॉट डिफाइन दैट टाइम इंटरवल. इज दैट क्लियर सौरभ? एक तो जनरल बात पूछा जा रहा है ना कि क्या होगा, इज दैट क्लियर और नॉट? श्रेयस इज आस्किंग, लेकिन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्या उस इलेक्ट्रोड? अरे उससे फर्क क्या पड़ता है कि यदि यदि तुमने एक इलेक्ट्रोड हटाया, सी एवरीबडी, यदि तुमने एक इलेक्ट्रोड हटाया तो रिएक्शन तो वहीं पे खत्म हो गया ना एवरीबडी. ये बात समझ में आ रही है? तो अब दूसरा इलेक्ट्रोड रह के भी कोई फायदा थोड़ी है. सर्किट में दो चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक हटा दोगे तो सर्किट रहता नहीं है. Is that clear? दोनों साथ में रहेंगे तो ही सर्किट चलेगा. एक टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर दो, थोड़ी सी तुम्हारा घड़ी चलने लगेगा, इट वोंट वर्क. ओके फाइन एवरीबॉडी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा सोचना होगा आंसर करने के लिए. देखो एक क्वेश्चन है, अस अ डाइल्यूट सॉल्यूशन of NaCl is electrolyzed using platinum electrodes. Platinum electrodes के through इसको electrolyze करते हैं, ठीक है? तो upon prolonged electrolysis, what will happen to the pH of solution? ठीक है, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, एंड ऑप्शन डी कैनॉट बी प्रिडिक्टेड. इसका आंसर क्या हो गया ऑलरेडी, जरा सोचो इसके बारे में. ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. सौरभ इज सेइंग इंक्रीजेस, दैट इज ए, फाइन. एनीबडी एल्स? ओके फाइन, ठीक है ठीक है, आई एम वेटिंग, आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर, डोंट वरी. थोड़ा रुक जाओ, आई विल गिव यू वन मिनट, थिंक अबाउट इट. Okay, do you need more time or should I tell you the answer now? ठीक है, वेट करता हूं. ओके ठीक है, अभी रुक जाओ. ओके ओके फाइन, सी द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ए, इट विल इंक्रीज, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड ए एज वेल. ए आंसर तो होगा. सो कैन यू, कैन एनीबडी गिव मी एक्सप्लेनेशन कि क्यों होगा आंसर ए? आंसर इज ए, दैट इज फाइन, आई अंडरस्टूड दैट, बट हाउ, हाउ आर यू कमिंग टू अ कंक्लूजन? या तो तुमने ऐसा कहीं पढ़ा होगा या फिर अभी सोच के कुछ बताया होगा. वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिक्रीजेज, सो विल दैट मेक एनी डिफरेंस?
आदित्य यू आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस सो दैट डज दैट मेक एनी डिफरेंस टू पीएच क्योंकि कैथोड की रिएक्शन चेंज नहीं हो रही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस बढ़ेगा इसलिए सोल्यूशन बेसिक होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिक्रीजेस सो पीएच इंक्रीजेस ओके क्योंकि कैथोड की रिएक्शन नहीं हो रही है तो ओएच माइनस ज्यादा रहेगा ओके फाइन फाइन देखो इसको बताने के बहुत सारा तरीका है चलो ठीक है मोस्ट ऑफ यू हैव ट्राइड देखो अभी देखो क्या है कैथोड की बात करते हैं तो डाइल्यूट में तो देखो क्या होगा एच प्लस कन्वर्ट हो रहा है जस्ट मिनट एच प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें एच टू में ठीक है और हम ये बोल सकते हैं कि एच टू ओ जो है अच्छा एवरीबडी यहां से ओ एच माइनस आ रहा है क्या एवरीबडी फाइन यहां से OH माइनस नहीं आ रहा ठीक है अब देखो हम यदि बात कर ले एनोड पे तो एनोड पे क्या होगा देखो हमेशा ये रिएक्शन होता रहेगा तो तुम डायरेक्टली ये भी समझ सकते हो कि H+ कम हो रहा है राइट तो H+ तो कम होता ही रहेगा दूसरी चीज हम देखेंगे तो इनिशियली क्या था OH- माइनस आ रहा है कहां से आ रहा है एक ये रिएक्शन है दूसरा है ये तो इनिशियली ये रिएक्शन होगा राइट और फिर बाद में ये रिएक्शन हो जाएगा एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट अरे कुछ तो बोलो NaCl लिया था तो NaCl ही तो है अच्छा मैंने NaCl लिया था फाइन नो इश्यूज NaCl लिया था क्या NaCl ही कर लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं NaCl लिया था तो कैथोड पे कर लेते हैं फिर तो OH माइनस रहेगा ये रिएक्शन होता नहीं है और H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 plus 2 OH माइनस तो ये यहां होगा ठीक है एनोड पे 4H2O 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस से Cl2 इलेक्ट्रॉन राइट अब एक बात बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या है सॉल्यूशन में H प्लस है OH माइनस है राइट एवरीबडी कैथोड पे Na प्लस तो ऑक्सीडाइज नहीं होता तो Na प्लस रहेगा और OH माइनस तो रहेगा इज दैट क्लियर ठीक है सॉल्यूशन में तुम्हारे पास रहेगा लेट से Na प्लस और OH माइनस कैथोड पे इज दैट क्लियर Now let us talk about anode. Anode पे क्या होगा देखते हैं देखो anode पे तुम्हारे पास रहेगा H plus और Cl minus. इन दोनों में changes होंगे मतलब कभी H plus पहले कभी ये reaction होगा initially और बाद में ये reaction होगा Is that clear? तो अब जो cation है वो क्या क्या है तुम्हारे पास cation जो solution में exist करता है वो है तुम्हारे पास H plus और Na plus, right? और अनायन जो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा वो है OH माइनस और Cl माइनस इस बारे में सब लोग कन्विंस्ड है एवरीबडी इस बात से सब लोग कन्विंस्ड है ऐसे केसेस में हम करते क्या है बेस्ट कॉन्सेप्ट ये लगा देते हैं चार्ज बैलेंस ये बेस्ट अप्रोच है अपने पास ये बेस्ट अप्रोच है कि कुछ भी हो जाए H प्लस प्लस Na प्लस should always be equal to OH minus plus Cl minus solution तो हमेशा neutral ही रहेगा ना everybody is that clear कुछ भी हो जाए solution हमेशा neutral रहना ही चाहिए neutrality solution का disturb नहीं होना चाहिए circuit complete तभी रहता है I hope it is that clear everybody charge must be balanced everybody is that clear charge must be balanced okay अब देखो क्या है initially तो H plus initially क्या होगा H plus बनता जाएगा
और एक बात बनने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, और बाद में क्या होगा, सीएल माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, तो सीएल माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ओएच माइनस तो बढ़ना चाहिए ना, ये समझ में आ रहा है? जैसे तुमने प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस किया, जैसे ही तुमने प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस किया तो सीएल माइनस सीएल टू में ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, तो नेगेटिव चार्ज कम होने लगता है सीएल माइनस, तो जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है ओएच माइनस, ये तो बढ़ना चाहिए, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Everybody is that clear or not? तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम चार्ज बैलेंस से बेस्ट तरीका तो यही है कि हम चार्ज बैलेंस से बता दें? Is that clear? तो ये कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया या कि हम कैसे बता रहे हैं इस बात को? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस? अरे देखो, हो क्या रहा है, चार्ज बैलेंस तो हर बार लगता है, और चार्ज बैलेंस तो हर बार हम लगाते हैं कि यही एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, जो नॉर्मली आयनिक में भी हम यही करते थे, चार्ज बैलेंस मास बैलेंस ये सब ऐसे कांस्टेंट थे कॉन्सेप्ट। सर स्टार्टिंग में कांस्टेंट होगा बट प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में इंक्रीज होगा। हाँ, इनिशियली तुम वैसे भी देखो तो इनिशियली एच प्लस बढ़ रहा है, इनिशियली एच प्लस बढ़ रहा है, राइट? तो इनिशियली जैसे जैसे तुम सोचोगे कि इनिशियली एच प्लस बढ़ता जाएगा, राइट, इनिशियली एच प्लस बढ़ता जाएगा, तो इनिशियली एच सी एल माइनस कॉन्स्टेंट है तो इनिशियली भी तो ओ एच माइनस बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि इनिशियली H+ बढ़ता जा रहा है, पहले तो O2 बन रहा है। सौरभ जरा समझो कि इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली H+ बढ़ता जा रहा था और Cl- कांस्टेंट था, तो चार्ज बैलेंस के लिए OH- भी ज्यादा बनना चाहिए, ठीक है, तो भी बेसिक होगा ये। और बाद में क्या हुआ, जब Cl- कम हो गया तो भी OH- और बढ़ना चाहिए, तो सोल्यूशन ऑलवेज बेसिक होता जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ही। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सबको? H+ जब कांस्टेंट हो जाएगा कुछ समय के बाद तो फिर क्या होगा, देखो H+ जब कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा तो इवन इन दैट केस तुम देखो Cl- कम होने लगेगा, इज दैट क्लियर? Cl- कम होने लगेगा तो वैसे भी समझ सकते हो चार्ज बैलेंस ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखो अलग अलग तरीके रीजन बता दिए जाते हैं बट वो लॉजिकल रीजन होते नहीं है, बेस्ट तरीका है अपने पास चार्ज बैलेंस ही है, यही बेस्ट तरीका है। लास्ट लाइन वापिस बोलू मैं, अरे देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, इनिशियली देखो क्या हो रहा है, इनिशियली H+ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इनिशियली तो H+ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, Cl- कांस्टेंट है, Na+ कांस्टेंट है, तो H+ बढ़ेगा तो OH- भी तो बढ़ना चाहिए एवरीबॉडी। इनिशियली जब प्रोडक्ट H2 और O2 है तो उस वक्त क्या था, Na+ कांस्टेंट था, ठीक है, और OH Cl- भी कांस्टेंट है, इनिशियली तो वैसे न्यूट्रल ही रहता है, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, तो इनिशियली तो न्यूट्रल ही होगा। अब जब H+ बढ़ रहा है, H+ प्लस Na+, तो OH-, हाँ इनिशियली न्यूट्रल होगा, स्टार्टिंग में न्यूट्रल होगा, वो मैंने माना नहीं कर रहा हूं, तो अब इनिशियली जब H+ बढ़ेगा तो OH- भी बढ़ना चाहिए, राइट, तो ये न्यूट्रल ही रहेगा, इनिशियली जब H+ बढ़ेगा तो OH- भी बढ़ेगा ना, OH- बढ़ना चालू हो जाएगा, वो मैं बोल रहा हूं। फिर जब प्रोलॉन्ग करने पे, जब तुमने प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्वेश्चन तुम्हें वही दिया है, प्रोलॉन्ग ही दिया है, तो जब H2 और Cl2 बनेगा तो Cl- कम होने लगेगा एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? तो जब Cl- कम होने लगा और H+ कांस्टेंट हो गया ये दोनों, तो ये कम हो रहा है तो इसमें OH माइनस बढ़ना चाहिए ना, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। इज दैट क्लियर? तो OH माइनस बढ़ेगा तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? इनिशियली न्यूट्रल होगा। आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सॉरी, डोंट वरी। अब इसमें किसी को डाउट है? देखो बेस्ट तरीका चार्ज बैलेंस ही है,
चार्ज बैलेंस से ही हम बता सकते हैं कि एसिडिक होगा बेसिक होगा, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, किसमें किसी को डाउट है? अथर्व, तुम्हें समझ में आया? ओके फाइन, लिख लिया तुमने? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। एक बात बताओ, सी कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोलिसिस है, कमर्शियल इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ कमर्शियली करते हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कमर्शियली क्या करते हैं ना, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का करते हैं। तो देखो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो सबसे पहले कैथोड पे क्या है, कैथोड पे तो पंगा यहां भी नहीं होगा, कैथोड पे एवरीबडी सबको पता ही है कैथोड पे H2 ही बनेगा, और ये वाली रिएक्शन तो होनी है नहीं। आई होप इट इज क्लियर, राइट? इसमें किसी को डाउट है? कैथोड पे तो H2 ही मिलेगा ना, इसमें किसी को डाउट है या नहीं? क्लियर है सबको? अब देखो एनोड की बात कर लेते हैं। देखो जनरल ऑर्डर हमने क्या सीखा है, SOCBI हमने ये जनरल ऑर्डर सीखा है, बट ये ऑर्डर वैलिड कब होता है? ये ऑर्डर वैलिड होता है जब सबकी मोलैरिटी सेम हो, ये ऑर्डर वैलिड तब होता है जब सबकी मोलैरिटी सेम हो, बट यहां लिखा है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब देखो ये कंपीट कर सकता है इसके साथ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ये कमर्शियली बनाते हैं, इन लैब में नहीं करते, कमर्शियल तरीका है, ठीक है? तो इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहां पे क्या होगा, लेट अस सी दिस। ये स्पेशल केस कर दिया, यहां हम जबरदस्ती कंपीट करवाएंगे इसको। अब देखो यहां पे क्या है, SO4 2- जैसे मैंने तुम्हें बताया था ये होता है, और H2OH 2- क्या होता है, ये होता है। तो अब देखो ये वाला ऑक्सीजन -2 से -1 में आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एवरीबॉडी, ये वाला ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां पे -1 है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं हो रहा? एवरीबॉडी से यस और नो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? ओके, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट जो है अपना वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है कि वाटर क्या करेगा यहाँ पे, तो देखो वाटर ऑब्वियसली जो करता है वही करेगा यहाँ पे। वाटर क्या करेगा, 4H+ देगा, प्लस O2 देगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है? यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड में प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनता है तुम्हारा H2OH 2- एंड O2, ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने कितना कॉन्सेंट्रेशन रखा है किसका, ठीक है? यहां पर एक चीज है कि ये बनेगा एनोड पे, क्योंकि जबरदस्ती हमने कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से चेंज किया है ना कि इसका ऑक्सीडेशन इसके बराबर बन जाए, और कैथोड पे क्या मिलेगा, H2। इज दैट क्लियर? देखो इससे ये लिख लिया ऊपर ने, ऊपर वाले को सबने लिखा, ये सबने लिखा, यस और नो प्लीज रिप्लाई। हाँ है ना, कुछ तो बोलो, ठीक है? ओके, देखो इससे सवाल ये भी पूछा जाता है ना कि जब तुम्हारे पास H2OH 2- है और सोल्यूशन में H2 है, तो ये H2S2OH भी बना सकता है, क्योंकि सोल्यूशन में तो H+ है ही ना एवरीबॉडी, यू कैन सी दिस, सोल्यूशन में तो है ही, हमें H2S2OH भी मिल सकता है। अब H2S2OH पानी में डिसोसिएट कर सकता है अलग अलग तरीके से, तो तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे, ये टूटेगा, ठीक है एवरीबॉडी?
वाटर के प्रेजेंस में ये टूटेगा कैसे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, लाइक वेज यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या होगा एवरीबॉडी, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हें ये कंपाउंड मिलेगा। जस्ट मिनट, दिस इज H2SO5, इज इट क्लियर? Everybody, is it clear? You will also get H2SO5. So the products that you are likely to get are H2SO4, और ये भी मिल जाएगा H2SO5. अच्छा, H2SO5 further dissociate हो सकता है क्या? देखो ये further dissociate हो सकता है पानी के presence में, ये वाला polar bond यदि टूट जाता है तो it can again form H2O2 plus H2SO4. देखो यहाँ OH जाएगा और यहाँ H जाएगा, तो ये बहुत सारे products दे सकता है। तो यहाँ पे एनोड पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे एनोड पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, लाइक H2O2 पॉसिबल है, यहाँ H2SO5 भी पॉसिबल है, तो यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन कमर्शियली क्या है, तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम H2SO5 बना सकते हो, तुम H2S2O8 बना सकते हो, तुम H2O2 बना सकते हो, तो इसलिए कमर्शियली ये मेथड यूज किया जाता है जिससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये लिख लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कमर्शियल इसका यूज है काफी। एवरीबॉडी रिटर्न, एवरीबॉडी रिटर्न नॉट, सबने लिखा है या नहीं लिखा, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। फाइनली कितने तरह के मिलते हैं, लिख तो दिया मैंने, फाइनली वुड देयर बी एनी मेजर प्रोडक्ट, सी इफ यू आर आस्किंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट एट एनोड सूजल, देन इन दैट केस यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O8-2-. यदि तुम्हारे पास उसका कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तभी हम क्वांटिटेटिव तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसी अब यदि तुम्हें मेजर प्रोडक्ट पता करना है तो यू नीड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन, यदि एग्जाम में दिया रहता है तो निकाल के कंपेयर कर सकते हो तुम, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसा कमर्शियली बनाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बना के। क्वालिटेटिव में हम ये देख लेंगे कितना क्या बनता है, हम लोग क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव बोल रहा हूँ, क्वांटिटेटिव में अमाउंट भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखो अभी अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, अभी नेक्स्ट क्या है, दोनों कैसे, दोनों के यदि एसआरपी कंपेरेबल हो जाएंगे तो दोनों बनेगा वेदांत, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दोनों के यदि एसओपी कंपेरेबल है तो दोनों बनेंगे ना। तो अब देखो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, देखो इलेक्ट्रोलिसिस हमने दो तरह से किया है, एक तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे अब तक हम लोग किससे करते आए हैं एवरीबॉडी, अब तक जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं वो किससे पढ़े हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड से या एक्टिव इलेक्ट्रोड? इनर्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रोड्स रिमेन इनर्ट एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स इनर्ट रहते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते, और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू एक्टिव इलेक्ट्रोड्स नाउ, सो वी विल सी इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। Everybody written?
अब देखो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, आयरन इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो अब देखो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं, हमारा पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस रिटन अंशुमल। अंशुमल लिख लिया। तो देखो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड। उसमें हम लोग पहला एग्जांपल जो देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस हम करने वाले हैं एक्वस कॉपर सल्फेट का कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर कैथोड होगा, कॉपर ही एनोड होगा। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे जैसे हम प्लैटिनम वगैरह की बात करते थे, यहाँ पे ये कॉपर ही कैथोड है और कॉपर ही एनोड है, राइट एवरीबडी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉपर के बने हुए हैं और ये जो है इट इज कॉपर सल्फेट एक्वस। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो अब जरा देखते हैं कि यहां पे एनोड और कैथोड पे क्या होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विथ कैथोड। पानी तो है ही ऑब्वियसली, पानी है, यहां पर एक्वस लिखा है हमने तो पानी तो होगा ही। तो H2O चाहेगा रिड्यूस होकर के H2 बना ले, -0.83 वोल्ट, ये तो हमको याद करना ही है। और कॉपर सल्फेट है तो देखो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा किस में, Cu2+ और SO4-, में। तो ये भी चाहेगा Cu में बनाना, और कोई रिएक्शन तो कैथोड पे नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं एनोड पे। SO4-, नॉर्मली जो है ऑक्सीडाइज हो करके, हमने वो ऑर्डर याद किया है SOCBI, राइट। तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका जो नॉर्मली जो होता है वोल्टेज होता है -2.01, ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको 2.2 वोल्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर के साथ कम्पीट कर जाता है क्योंकि वाटर का जो ओवर पोटेंशियल है वो मिला दो तो 1.6 के आसपास आता है, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कमर्शियल मेथड में कम्पीट करता है। यहां पर तो तुम्हें ये कम्पीट करता हुआ दिखेगा नहीं। दूसरा क्या है, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये -1.23 प्लस ओवर पोटेंशियल होगा यहाँ पे। और सबसे है आसान कि कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जाए इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है एवरीबॉडी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? एंड कैन एनीबॉडी टेल मी, एवरीबॉडी कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एंड एनोड? अरे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो पहले कौन लेगा? कॉपर को पानी में डालोगे ना, कॉपर कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन से ही, ये सब लोग जानते हैं। तो कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको? हमने ऑर्डर याद किया था, याद है, कॉपर ही बनेगा यहाँ पे। ये जैसे तुम्हारा कैथोड है और ये एनोड है तो डिपोजिशन हो जाएगा कॉपर, कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। यहां होगा डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ठीक है। कैथोड पे कॉपर जमा होने लगेगा, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये मोटा होने लगेगा, समझ में आ रहा है? ये वाला इलेक्ट्रोड थोड़ा थिक होने लगेगा, ये इस तरह से मोटा होता जाएगा, इसके ऊपर डिपोजिशन चालू हो जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब बताओ एनोड पे क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीजन, ओके। अच्छा एक बात बताओ, कॉपर का ऑक्सीडेशन, और देखो अब तुम खुद सोचो, ये वाला तो होना नहीं चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। तो अब एक बात बताओ,
ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना आसान है या कॉपर को ऑक्सीडाइज करना आसान है? एक बात बताओ, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना आसान है या कॉपर को ऑक्सीडाइज करना आसान है? एवरीबॉडी, कॉपर कुछ भी है, मेटल है, कॉपर को ही ऑक्सीडाइज करना आसान है ना, तो यहाँ पे कॉपर ही ऑक्सीडाइज होता है, तो इसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ एनोड, डिसोल्यूशन ऑफ एनोड, डिसोल्यूशन ऑफ एनोड मतलब ये एनोड पतला होता जाएगा और कैथोड मोटा होता जाएगा, एनोड यहाँ पे पतला होता जाएगा, ये थिन होता जाएगा, इट विल स्टार्ट बिकमिंग थिन, स्टार्ट बिकमिंग थिन, और कैथोड जो है वो मोटा होता जाएगा। तो अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुमने क्लास टेंथ में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, याद है, जिसमें एनोड ही मतलब एनोड कैथोड मोटे और पतले होते रहते हैं, कैथोड मोटा होता जाता है और एनोड पतला होता जाता है, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो यहां पर देख रहे हो कॉपर सल्फेट का तो कुछ काम ही नहीं, वो सॉल्यूशन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, एनोड थिक होता थिन होता जाएगा और कैथोड थिक होता जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये मेथड जो है ये रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए यूज करते हैं, और कॉपर सल्फेट का यहाँ कुछ काम है ही नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है, बाकी चीजों का कुछ नहीं हो रहा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यानी कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू, कब कब करता है, क्या करता है? वेदांत, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? कंपीट कब करता है? H2O किसके साथ कंपीट करेगा? H2O कंपीट करता है Cl- के साथ। आगे देखो ना, SOCPI ऑर्डर याद तो करवाया था मैंने, तो किसके साथ कंपीट करेगा? Cl- के साथ कंपीट करता है। ओके, रिफाइनिंग कैसे? रिफाइनिंग मतलब जो मेटलर्जी होता है ना, उसमें कॉपर जो बनाते हैं उसको इम्प्योर रहता है, वो उसको प्योर करते हैं, प्योर करने का मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या आदित्य, प्योर करने का मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसमें एनोड जो है एनोड से इम्प्योर रखते हैं, मतलब बेसिकली तरीका क्या है, तुमने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में, इम्प्योर मोटा स्ट्रिप लेते हैं इम्प्योर कॉपर का और उसको एनोड बना देते हैं, और थिन स्ट्रिप लेते हैं प्योर कॉपर का, उसको कैथोड बना देते हैं। तो अब क्या होता है, इम्प्योरिटी मतलब एनोड से कॉपर निकल के कैथोड पे जमा होने लगता है, और एनोड से जो इम्प्योरिटी रहता है वो नीचे जमा हो जाता है, जिसको एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि वो एनोड से निकलता है। ये पढ़ा हुआ तुमने टेंथ में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन, मतलब तुम्हें ये समझ में आया ना कि कॉपर कैसे निकल रहा है एनोड से और कॉपर कैसे निकल रहा है कैथोड पे, तो इतना समझना है हमको इलेक्ट्रोलिसिस में, और कुछ नहीं। बट इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट कांस्टेंट है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कॉपर कॉपर सल्फेट कॉपर, इस तरह से लिखने का मतलब कॉपर एनोड, कॉपर ये सॉल्यूशन और ये कैथोड, बीच में दो इंटरफेस, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी दिया, इसका मतलब ये, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता एवरीबॉडी, इसलिए सिर्फ एक ही डंडा लगेगा हर बार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दो इंटरफेस है ना, तो दो डंडे लगा दिए, यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं होता इसलिए नहीं लगाया। ओके, अच्छा अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस देते जाता हूँ, उसका आंसर बताना कि क्या होगा प्रोडक्ट और मतलब एनोड और क्या होगा कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ये सबने लिख लिया है ना। Why no salt bridge? सुजल इज आस्किंग कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ क्यों नहीं यूज करते हैं, एवरीबडी बताओ यहाँ सॉल्ट ब्रिज क्यों नहीं यूज करते हैं, कौन बताएगा कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्यों नहीं यूज करते? अरे सेम कंटेनर में डाल दिया है, सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करेंगे यहाँ पर, जरूरत ही नहीं है, एक ही कंटेनर में डाला है ना, तो सॉल्ट ब्रिज क्यों चाहिए यहाँ पे? अच्छा ये बताओ,
क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्या आएगा एनोड पे और क्या आएगा कैथोड पे? सिल्वर नाइट्रेट का न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है ऑलरेडी, ठीक है, यही आंसर है। हाँ नमन, तुम्हारा आंसर सही है, न्यूट्रलिटी पहले से ही मेंटेन्ड है, जरूरत ही नहीं है सॉल्ट ब्रिज की। इसका आंसर बताओ, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, कैथोड पे सिल्वर को रिड्यूस करना आसान है और H2O यहां पर कोई कंपटीशन नहीं करता। तो यहां से हमें सिल्वर मिलेगा, ठीक है, और एनोड पे बताओ क्या मिलेगा? एनोड पे O2 मिलेगा तुम्हें, सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होता आसानी से। सिल्वर के लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं, सिल्वर गोल्ड इज अ नोबल मेटल, सो गोल्ड सिल्वर आर नोबल मेटल्स, तो अब इनकी टेंडेंसी रहती है कि सिल्वर में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। सिल्वर रिड्यूस होता है आसानी से, सिल्वर ज्यादा स्टेबल है, Ag से ज्यादा स्टेबल है Ag+ एवरीबॉडी, Ag+ जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। चांदी के लोग, हाँ Ag भी रहेगा सोल्यूशन में, Ag रहेगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? Ag भी है, क्या बोलना चाह रहे हो सौरभ? What are you trying to say? Ag है भी नहीं सोल्यूशन। ओके, सॉरी, यहाँ तो Ag नहीं, हाँ आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, Ag नहीं है, हाँ हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, फाइन, हाँ Ag नहीं है सोल्यूशन में, आई अंडरस्टूड। NO3- ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, नाइट्रेट जो है वो +5 में ऑलरेडी होता है, और इसका कोई डाइमर भी नहीं बनता, इस तरह का कोई कंपाउंड ये बनाता नहीं है, ठीक है एवरीबॉडी, ये इस तरह का कोई कंपाउंड बनाता नहीं है नाइट्रोजन, तो यही होगा प्रोडक्ट, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, नाइट्रेट इस तरह कोई कंपाउंड बनाता नहीं है, तो प्रोडक्ट यही होगा। तो देखो इस तरह से तुम एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट बता सकते हो, होप इट इज क्लियर। एक बात बताओ, क्वेश्चन है an aqueous solution of copper sulfate, लिखना है, write it down then. AgNO3 dissociate होता है Ag+ में और NO3- में, तो Ag+ कैथोड पे जाएगा, NO3- एनोड पे जाएगा, बट NO3- का यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, तो जो होगा वाटर का होगा यहाँ पे। हाँ एवरीबॉडी, यहाँ पे AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पे AgNO3 का कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कम होता रहेगा और NO3- का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और नाइट्रेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ यार कुछ तो बोलो। तो देखो ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस हमारा खत्म हो गया, वी हैव कवर्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें इतना ही होता है, फिर हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे करेंगे डिस्कशन इस टॉपिक की, इस क्वेश्चन के बाद। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेज इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर कैथोड
एंड कॉपर एनोड, कॉपर कैथोड और कॉपर एनोड सेटअप कैसे होगा फिर इलेक्ट्रोलिसिस का, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट नहीं है तो किस तरह का सेटअप? What will happen to the pH of solution? देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ये इसमें भी वही है, increases, decreases, option C constant रहेगा and option D can't be predicted. Okay, really try to answer this. Tanesh is answering B. Okay, ठीक है, I'm waiting. See, this is a question from ionic equilibrium. यहां फिर ionic equilibrium का concept लगेगा, फिर से वैसे ही सोचो charge balance वगैरह. Ions का क्या करना है वही सोचना है तुम्हें. Should I answer this now or do you need more time? Answer C नहीं है. Answer is either A or B. 50-50 option है तुम्हारे पास. ओके लेट अस सी, एनोड वाले रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं. क्या पूछना चाह रहा है वेदांत इज आस्किंग, पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्ट भी लगाया क्या क्योंकि सॉल्ट सिम? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं होता है वेदांत. आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, बट योर क्वेश्चंस डू नॉट सीम टू हैव एनी रिलेवेंस. सॉल्ट ब्रिज इसलिए नहीं लगाया, आई आंसर वेट, सॉल्ट ब्रिज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहां रिक्वायर्ड नहीं था, द सॉल्यूशन वाज ऑलरेडी न्यूट्रल. That is why there was no requirement of salt bridge. Vedant hard. Is that clear? Vedant. I'll come to AG wale question mein bhi salt bridge zarurat nahi hai because solution is still neutral. So there is no requirement. Salt bridge is required when there is neutrality, loss of neutrality. Loss of neutrality, the same solution में NO3 बढ़ कहाँ रहा है? NO3 is constant. How do you expect NO3 to be generated? Silver nitrate डालने के बाद तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि NO3 बढ़ जाएगा? हमने additional थोड़ी डाला है. NO3 minus is constant. It is not increasing. See, do we have any other possibility? Everybody, हम लोग तो A reaction कर रहे हैं, right? Vedant, is that clear? पूछना क्या चाह रहे हो? Ag plus कम NO3 कैसे बढ़ेगा? How do you expect that to happen? See, Vedant has a question कि Ag NO3 का हमने dissociation कराया, silver nitrate टूटा, तो Ag plus और NO3 minus है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि Ag plus कम हो रहा है तो H plus बढ़ रहा है? Charge balance लगाओ ना. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज Ag प्लस और एच प्लस इज इक्वल टू NO3 माइनस. NO3 माइनस कॉन्स्टेंट है, Ag प्लस कम हो रहा है तो H प्लस बढ़ रहा है. वेदांत ये तुम समझ नहीं पा रहे हो, चार्ज बैलेंस लगा लो तुम यहाँ पे, मैंने तो लिख भी दिया है NO3 माइनस कॉन्स्टेंट है तो Ag प्लस कम होगा तो H प्लस बढ़ेगा. दैट क्लियर वेदांत? सॉल्ट ब्रिज का जो तुम पूछ रहे हो, सॉल्ट ब्रिज इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज सोल्यूशन इज न्यूट्रल, देयर इज नो अदर रीजन. और यहाँ Ag प्लस कम हो रहा है तो H प्लस बढ़ेगा, न्यूट्रलिटी रहेगा सॉल्यूशन में, चार्ज बैलेंस लगा दो वहां पर, कोई दिक्कत नहीं. इन दिस केस द आंसर इज बी, द आंसर इज दैट द pH विल डिक्रीज. एवरीबॉडी, pH इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज देखो इनका तो कुछ होना है नहीं, यानी ये दोनों आयंस तो है नहीं, या ना H प्लस है पानी में ना ये आयंस है. आयंस सिर्फ पानी में कौन कौन से है एवरीबॉडी?
ये तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, ये रिएक्शन भी हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो हमारे पास H2 है, Cu है, ये है, ये नहीं, ये भी नहीं हो रहा था, सब न्यूट्रल चीजें हैं। हमारे पास Cu2 प्लस है और SO4 माइनस है। एवरीबडी इज दैट क्लियर? आप लोग कन्विंस्ड हैं इस सॉल्यूशन में, इस बात से? एवरीबडी इज दैट क्लियर नॉट? अरे कॉपर सल्फेट पानी में है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन में सिर्फ कॉपर 2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन है। इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई समझने में दिक्कत है तो बता दो। ये सारे रिएक्शंस तो हो ही नहीं रहे ना, ये रिएक्शन नहीं हो रहा, ये रिएक्शन नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन में सिर्फ कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस है। तो देखो क्या है, तो अब तो ये तो एकदम नॉर्मल आयनिक इक्विलिब्रियम वाला सवाल हो गया। कॉपर सल्फेट को पानी में डालोगे तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट में ये आयन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आया है, तो ये एक स्पेक्टेटर रहता है, ये आराम से चिल मार जाएगा, कुर्सी डटा के सो जाएगा मस्त, कोई टेंशन नहीं है इसका। अब कॉपर 2 प्लस क्या करेगा? कॉपर 2 प्लस पानी में जाके हाइड्रोलाइज कर जाएगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आया है, ये बनाएगा CuOH होल ट्वाइस प्लस H प्लस। इज दैट क्लियर? अब देखो अपॉन हाइड्रोलिसिस, अब इसमें चार्ज बंच लगा लो तुम, Cu2 प्लस प्लस H प्लस जो है ये टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर है? नेगेटिव चार्ज तो कांस्टेंट है, तो अब जब Cu प्लस कम होगा, Cu2 प्लस सॉरी, तो तुम्हें नहीं लगता है H प्लस बढ़ना चाहिए, तो pH क्या होगा? pH विल डिक्रीज। यहां रीजन है Cu2 प्लस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड दैट इज व्हाई द pH विल डिक्रीज, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। Make sense? Everybody clear है ये बात? Everybody is it clear or not? So pH will decrease and the solution becomes acidic. Okay, I'll scroll up. So the correct response, what is the correct response? The correct response, everybody, is option B. I hope it makes sense and it is clear to everyone. ओके इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, और यदि डाउट नहीं है तो लिख सकते हो। डू यू वॉन्ट मी टू स्क्रोल अप या इज दिस फाइन? एवरीबडी इज इट फाइन? ओके रिटन, शुड आई स्क्रोल डाउन? ओके डाउन, फाइन, आई विल स्क्रोल डाउन। So everybody, I hope it is clear. इसमें किसी को डाउट है? देखो अभी हमने खत्म कर लिया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में तुमने क्या सीखा है कि यहाँ तो काफी कुछ लग रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट कितने सारे लग रहे हैं, राइट? यहाँ पे कोई एक चैप्टर का तो कंसेप्ट हमने यूज किया नहीं है, हमने काइनेटिक्स भी यूज कर लिया, हमने थर्मोडायनेमिक्स भी यूज कर लिया, हमने लॉग्स भी यूज किया है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो यूज किया ही है, हम तो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बार बार जाते रहते हैं, ठीक है। तो Cu2 प्लस वाला वापस क्या पीएच वाला आदित्य? पीएच वाला, ओके फाइन। सी आदित्य, आई होप मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ तुम्हें, डोंट वरी अबाउट इट। देखो यहां पर तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही होगी, कॉपर सल्फेट तुमने पानी में डाला, तुमने कॉपर सल्फेट पानी में डाला तो पानी में Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस होगा, ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से चमकनी चाहिए कि और कुछ नहीं है,
कॉपर ही निकलता है, कॉपर ही डिपॉजिट होता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। कॉपर ही जो है ऑक्सीडाइज, और मतलब कॉपर 2+ और CO2 और SO4 2- और कुछ नहीं। अब SO4 2- कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला आयन पानी में जाके स्टेबलाइज हो जाता है, वो चुपचाप बैठ के सो जाता है वहां पे, कोई टेंशन नहीं लेता वो। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया होता है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है पानी में, तो जब वो हाइड्रोलाइज करेगा तो CO2+ तो कम होगा ना, तो अब नेगेटिव चार्ज तो कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज जो CO2+ कम हो रहा है, तो CO2+ कम हो रहा है तो H+ बढ़ रहा है, तो जब H+ बढ़ेगा एवरीबॉडी, जब H+ बढ़ेगा तो सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा ना। इज दैट क्लियर? जब H+ बढ़ेगा तो सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, pH कम होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो वी हैव 8 मिनट्स, बोलो क्या करना है? क्वांटिटेटिव चालू कर लें या रिवाइज कर लें? एवरीबॉडी क्वांटिटेटिव चालू कर लें या रिवाइज कर लें क्वालिटेटिव वाला? मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के वैसे गलत कि एक बार सौरभ फिर से भेजो, तुम बहुत सारे बच्चे ने मैसेज बहुत सारे भेज दिया, मैं देख नहीं पाया। सौरभ कैन यू प्लीज मैसेज अगेन? मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से CO2+ नहीं घट रहा, हाइड्रोलिसिस। हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सौरभ वही रीजन है, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से नहीं कम हो रहा है, वो हाइड्रोलिसिस की वजह से कम हो रहा है। ठीक है एवरीबॉडी, फाइन। तो देखो एवरीबॉडी हमने सीखा क्या है, लेट अस रिवाइज व्हाट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग करते क्या है, हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अभी और कितना चैप्टर, इस चैप्टर में भी बचा क्या है। आई टेल यू, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बचा है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसके बाद कंडक्टिविटी पैरामीटर्स बचे हैं, कोलरॉस लॉ आता है उसके अंदर, उसके आगे है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, और उसके बाद याद करने का एक छोटा सा टॉपिक है सम कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड का क्या होगा? Ag क्या दोनों कैथोड एनोड दोनों रख रहे हो तुम? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वो अलग है। अरे वहां पे H2 मिलेगा कैथोड पे और O2 मिलेगा। H2 सॉरी Ag मिलेगा तुम्हें। एक क्वेश्चन एक बच्चे का, सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया, सिल्वर कैथोड और सिल्वर एनोड रखा, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया, सिल्वर कैथोड और सिल्वर एनोड रखा, तो कैथोड पे सिल्वर मिलेगा और एनोड पे O2 मिलेगा, ठीक है? ठीक है सौरभ? अरे हाँ है ना, कुछ तो जवाब दो। फाइन, सो लेट अस सी व्हाट हैव वी सीन। एजी नहीं, कहाँ पूछना चाह रहे हो, कौन से इलेक्ट्रोड की? कैथोड साइज इंक्रीजेस, एनोड कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो कथन? अनम्यूट कर देता हूं यार, अजीबो गरीब सवाल लेके आ रहे हो। कथन में म्यूट किया मैंने, अनम्यूट तो हो नहीं रहा है। हाँ बोलो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, फाइन। अरे और कितने लेक्चर्स लगेंगे? ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी फाइन स्टोन। सो सौरभ डू यू हैव एनी डाउट, क्या रिवीजन कर ले? हमारा कोई डाउट था, AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड में कैथोड पे Ag क्यों नहीं? कैथोड पे तो Ag ही बताया ना मैंने। H2 और O2 बोले ना आप। नहीं, कुछ और सोच के मैंने बोला था, Ag कैथोड पे और O2 एनोड पे, ये बताए। हाँ ठीक है सर। फाइन एवरीबॉडी, सो लेट अस सी व्हाट इज टू बी डन नाउ। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम प्रोडक्ट पता करते हैं सबसे पहला काम, तो एक ऑर्डर याद करना है हमें, SOCBI, राइट? SOCBI ये, लेकिन कब करते हैं हम ये, करते हैं तब जब इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन पे करते हैं, और ये प्रोडक्ट कहाँ पे देखते हैं एवरीबॉडी? एनोड पे देखते हैं, राइट?
एनोड पे करते हैं। नाउ सिमिलरली यदि हम कैथोड की बात करें तो हमने कैथोड के लिए तो वो सीरीज याद की थी, लीची केला बेर संतरा वो वाला याद होगा तुम्हें, कैथोड के लिए तो पूरी सीरीज ही है, कैथोड के लिए यू कैन यूज द सीरीज। और तुम्हें पता है एनोड पे वो रिएक्शन होती है जो कि सबसे स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है, और कैथोड पे वो रिएक्शन होती है जो सबसे स्पॉन्टेनियस रिडक्शन है। वाटर का एसआरपी जो होता है वो होता है -0.8227 या फिर 0.83 लिख दो प्लस सम ओवर पोटेंशियल, और एसओपी होता है -1.23 प्लस सम ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल नॉर्मली हमने पढ़ा है कि डिपेंड करता है, कुछ ना दिया हो तो ओवर पोटेंशियल इग्नोर करो, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने सीखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक मेटल्स की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एस ब्लॉक मेटल्स की जब इलेक्ट्रोलिसिस होता ही है, एवरीबॉडी जब एस ब्लॉक मेटल्स की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमेशा H2 मिलता है, मेटल कभी नहीं मिलता, राइट? ये हमने पढ़ा था। अरे हाँ यार कुछ तो बोलो। फिर हमने ये देखा कि डाइल्यूट NaCl में हमें प्रोडक्ट मिलेगा H2O2, और कॉन्सेंट्रेटेड में हमें मिलता है H2Cl2, चेंज हो जाता है क्योंकि ये कंपीट करते हैं O2 और Cl2, राइट? उसी तरह से कुछ बाकी केसेस भी दिखा, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाँ, इसमें पीएच जो है वो बढ़ जाता है, राइट? हमने देखा था चार्ज बैलेंस से कि इसमें पीएच कैसे बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एनोड पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, H2SO5, H2S2O8, H2O2O2, और कैथोड में मिलते हैं O2। उसी तरह से हमने पी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसकी बात कर रहे हो? ऑर्गेनिक में कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली वहां पर बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ते हैं या हेट्रोलिटिकली, पहले ये बताओ। नाउ कॉपर सल्फेट हमने लिया है एक्वस, तो इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, नहीं वहां रेडिकल बनता है, रेडिकल। अरे वो अलग क्वेश्चन पूछा, तुम बाद में पूछ लेना अभी, ठीक है। और वहां रेडिकल बनता है क्योंकि वहां आयंस बनते ही नहीं, तुम एक बार पढ़ो उसको। यहां पे क्या होता है, कॉपर एट एनोड कम होने लगता है और कॉपर एट कैथोड जो है वो बढ़ने लगता है, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। जैसे हमने देखा था यहाँ पे पीएच जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही हमने पढ़ी है एवरीबडी, यहाँ अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है ना, एवरीबडी इतना ही तो पढ़ा है हमने, और कुछ किया है क्या अभी? एवरीबडी इतना ही पढ़ा है ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। एवरीबडी कैथोड पे H2 इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट क्या बोलना चाह रहे हो? अथर्व व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड बनता है H2S। अरे एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट के जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे क्या बनता है? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो कैथोड पे क्या बनता है और एनोड पे क्या मिलता है? यहां भी कॉपर ही मिलता है और यहां भी कॉपर ही मिलता है एवरीबडी, तो अथर्व तुम्हें H2SO4 कैसे लग रहा है? तुम पूछना क्या चाह रहे हो? अथर्व क्या पूछना चाह रहे हो तुम? इक्वी ऊपर इक्वी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिखा? क्योंकि इक्वी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही हम एसआरपी कंपेयर करते हैं वेदांत, ठीक है। स्टैंडर्ड पे सबका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए इज दैट क्लियर? जब हम एसआरपी डिफाइन करते हैं तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही लेते हैं, ये तो बेसिक चीज है ना। अथर्व तुम्हारा क्या डाउट है, तुम्हें क्या लग रहा है क्यों H2SO4 लग रहा है, जस्ट बताओ, अदरवाइज वी विल वाइंड दिस सेशन।
H2 मिलेगा इन केस ऑफ, हाँ H2SO4 के केस में मिलेगा, तो H2SO4 तो मैंने लिखा ही नहीं था ना केस, H2SO4 तो मैंने पूछा ही नहीं है। ओके वेट करो, दोज हु हैव डाउट प्लीज स्टे, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। सौरभ तुम्हारा क्या डाउट है? देखो एक्चुअली सौरभ, एनोड पे एसिटेट एंड ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन रेडिकल बनाता है। आर यू देयर और यू हैव लेफ्ट? ठीक है, जैसे एसिटेट एंड ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन रेडिकल बनाता है, सो दैट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन विच वी जनरेट अ फ्री रेडिकल। और ऑब्वियसली सोडियम तो ऑब्वियसली Na प्लस बनाएगा ना, ठीक है, सोडियम तो Na प्लस बनाएगा ही। तुम्हारा सवाल क्या है फिर, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, जस्ट टेल मी। कैथोड पे Na प्लस का ही रिडक्शन होगा ना? इट विल डिपेंड, लाइक कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में एग्जैक्टली क्या होता है मैकेनिज्म, ये तुम पूछना चाह रहे हो। कैथोड पे वहां पर H2 ही रिड्यूस होता है, वहां पे Na प्लस कहां रिड्यूस होता है? Na प्लस का रिडक्शन नहीं होता है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस की तुम यदि बात कर रहे हो तो वहां पे तो कैथोड पे H प्लस ही रिड्यूस होता है। कैथोड पे H प्लस ही रिड्यूस होगा वहां भी, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे H प्लस ही रिड्यूस होगा। रेडिकल बनता है बट कैथोड पे H प्लस ही रिड्यूस होगा, यू कैन चेक एंड वेरीफाई। Na प्लस रिड्यूस नहीं होगा। इन सर कैथोड पे H2 मिलता है इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बट वी हैव रिटन O2 एट कैथोड। अरे भैया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, अच्छा ये बोल रहे हो क्या? हाँ ये, हाँ कैथोड पे H2 होगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, ये H2 होगा, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी को डाउट है? एवरीडी और किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीडी किसी और को डाउट है? ठीक है, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।